मैं माफी मांगता हूं और हम काबिल नहीं है माफी के। हम लोगों ने आपको मायूस किया है, हम सब ने आपको मायूस किया है। एक चीज जो आपने न्यूज एक देखी कि फलस्तीन के लिए जो है वो इंडिया ने डोनेशन दी है $2.25 लाख, यानी कि $25 लाख। आप लोगों का हक है कि आप हमारी शिकायत करें, आप लोगों का हक है कि आप हमें, हमने आपकी किसी भी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरे। हम तो आपको पानी नहीं पिला सके, हम तो आपको रोटी नहीं दे सके, खाना नहीं दे सके। भारतीय होने का क्या मतलब है? अगर मैं कहता हूं कि मैं भारतीय हूं तो क्या मुझे भारतीय बनाता है आरजू जी? व्हाट मेक्स मी अ इंडियन, व्हाट मेक्स मी अ भारतीय? तो वो बनाता है कि हम सारी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक जिनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि ताकतवर ममालिक हैं, जो कि स्टैंड ले सकते हैं। लेकिन जहां पे ह्यूमैनिटी की बात आई तो फलस्तीन को भी कॉल की गई है। हम सबके सुख की कामना करते हैं, हम सबके भले की कामना करते हैं। दुश्मन नहीं समझता जो बात में, हर बात में हम दुश्मन। इंडिया इंडिया अब मुकाबला करता है आईटी में, इंडिया मुकाबला करता है जनाब चाइना के साथ, रशिया के साथ, उसका वो मुकाबला ही नहीं करता। वो मैं लास्ट इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहा है हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला ही नहीं करते। भारत फिलिस्तीन को इस साल 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद करेगा। इस्लामिक कंट्रीज के साथ भी रिलेशन, सऊदीया के साथ कैसे रिलेशन, ईरान के साथ, इंडिया के कैसे रिलेशन, कतर के साथ, इजिप्ट के साथ। दिस इज व्हाट इंडिया, पैलेस्टाइन का हम शुरू से मदद करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिलिस्तीन ने आर्थिक मदद के लिए भारत को धन्यवाद कहा है। फिलिस्तीन दूतावास ने मंगलवार को कहा कि भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने आर्थिक योगदान के पहले हिस्से के रूप में 2.5 मिलियन डॉलर जारी किए हैं। दूतावास ने कहा कि हम फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त जारी करने के लिए भारत सरकार के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद और प्रशंसा व्यक्त करते हैं। दूतावास ने कहा कि न्यूयॉर्क में UNRWA सम्मेलन के दौरान मदद के वादे को भारत ने निभाया है। फिलिस्तीन दूतावास ने बताया कि नई दिल्ली ने UNRWA को दवाएं भी देने का वादा किया है। हमारा मानना है कि यह सहायता चाहे वित्तीय हो या चिकित्सा, विभिन्न क्षेत्रों में फिलिस्तीन लोगों को प्रदान की जाने वाली सहायता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हम अगले चरण के दौरान बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। अब फिलिस्तीन द्वारा भारत को धन्यवाद किए जाने पर पाकिस्तान जला भुना बैठा है। एक चीज जो आपने न्यूज एक देखी कि फलस्तीन के लिए जो है वो इंडिया ने डोनेशन दी है, ठीक है, फलस्तीन को सपोर्ट के लिए। कुछ समझ नहीं पा रहे पाकिस्तानी कि एक तरफ इसराइल का साथ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ फलस्तीन को भी हेल्प की जा रही है, तो ये क्या मामला है? मानवता का मामला है हमारी। हम अगर भाई एक बात बताइए, आप अपने बड़े बेटे को यदि एक साइकिल दिलाती है, इसका मतलब थोड़ा कि छोटे बेटे से नफरत करता है आदमी। ट्रांजैक्शन के हिसाब से, जरूरतमंदों के हिसाब से वो मदद करता है। हमारी पॉलिसी क्लियर है फ्रॉम द डे वन कि 2-state solution होना चाहिए, यहूदियों को भी वहां जगह मिलनी चाहिए और जो वहां के मुसलमान हैं, पैलेस्टीनियन कह ले या अरबी जो भी है, उनको भी वहां जगह मिलना चाहिए। दोनों एक साथ मिलकर के रहे आपस में, एक ही फिलोसफी के लोग हैं, एक ही आइडियोलॉजी के लोग हैं। और देखिए, भारत को समझना, आप खुद समझिए, आप इसी भारत की बेटी है। ये इंडिया ने नहीं किया, अगर शायद इंडिया होता तो ये नहीं कर पाता, ये भारत ने किया है। भारतीय होने का क्या मतलब है? अगर मैं कहता हूं कि मैं भारतीय हूं तो क्या मुझे भारतीय बनाता है आरजू जी? व्हाट मेक्स मी अ इंडियन, व्हाट मेक्स मी अ भारतीय? तो वो बनाता है कि हम सारी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, हम सबके सुख की कामना करते हैं, हम सबके भले की कामना करते हैं, हम किसी का कल्चर या किसी का मजहब नहीं मिटाना चाहते, हम चाहते हैं सब अपने अपने अकीदे पे, अपने अपने विश्वास पे, अपने अपने ईष्ट के का वो वंदन करते रहें और उनको ईश्वर सफलता दे, उनको ईश्वर खुशियां दे। दिस इज व्हाट इंडिया, पैलेस्टाइन का हम शुरू से मदद करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। हमने अगर ये कहा है, हम टेररिज्म पे अगेंस्ट में है। 7 अक्टूबर को जो हुआ वो एक विभत्स आतंकवादी घटना थी, और जो भी आज इसराइल और हमास में हो रहा है वो बिना 7 अक्टूबर के बात नहीं की जा सकती। इसलिए हम 7 अक्टूबर को भी कंडेम करते हैं
उसी तरीके से हम पैलेस्टाइन के लोगों तक यदि कोई भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की एड नहीं पहुंच पा रही है तो हम उसको भी कंडेम करते हैं और हम पैलेस्टाइन को बिल्कुल एड देंगे, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। और आप ही ने मुझे न्यूज दी है कि USD 2.25 लाख यानी कि 25 लाख $25 विच कम्स टू बी 200,000 $25,000 सो हमें देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? तो इसको ये क्यों कह रहे हैं कि हम इसराइल का साथ दे दिए तो फलस्तीनियों पे बम मार देंगे, फलस्तीन का साथ दे दिए तो हम पे जाके इसराइली पे बम मार देंगे? ऐसे नहीं होता भाई, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। हम सबका जो सबकी मदद करेंगे वो उनका मसला है, वो आपस में निपटाए, हमारे लिए दोनों एक समान है, बात खत्म हो गई। लेकिन अभिषेक जी, आपके ख्याल से फलस्तीन और इसराइल के बीच में जो डिस्प्यूट है सालों से चलता आ रहा है, ये आखिर सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे? या ये भी हमारी तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह जैसे हम कश्मीर को लेके बैठे हुए हैं? ये डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम थियरी की है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लोगों को बैठना पड़ेगा और जो दुनिया जिस समय में जी रही है और जिन पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के तहत जी रही है वही पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट उनको भी अपनाना पड़ेगा। सेक्युलरिज्म इसके थ्रू ही ये सॉल्यूशन होगा। पैलेस्टाइन हमास कह लें, पैलेस्टाइन इसराइल कह लें, इसराइल हमास कह लें, इस डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन करने की क्षमता किसी भी देश के पास नहीं है सिवाय यहाँ के लोकल लोगों के पास, क्योंकि अमेरिका ने कितने ना जाने कब से कैंप डेविड अकॉर्ड हो रहा है तो कभी कोई अकॉर्ड हो रहा है, कभी मतलब कितने अकॉर्ड साइन हो चुके हैं, आई हैव नो आइडिया, बिल क्लिंटन से लेकर के जॉर्ज बुश से लेकर के अभी जो रिसेंट वाले ट्रंप तक थे, सबने कोशिश की बट इट्स नॉट गेटिंग रिजॉल्व्ड। यूनाइटेड नेशन जब ये शुरू हुआ था तो UN ने जो वो ग्रीन मैप और वो सब दिया था उसी समय मामला सॉल्व हो जाना चाहिए था। दोनों अरबों को और यहूदियों को कहा था कि आप अपने अपने जाइए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, दोनों लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाए, ना तो इसराइल ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपना, हालांकि उन्होंने एक पहला दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उन्होंने डिसाइड किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे, पीस मील लेजिस्लेशन करेंगे। तो उनका जो नेसेट है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं उसने पीस मील लेजिस्लेशन किया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना तो इसराइल का है ना तो पैलेस्टाइन का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दोनों लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस है। बट मैं फिर वही कह रहा हूँ, इस समस्या का निवारण किसी के गुड ऑफिसेज में, किसी के गुड ऑफिसेज में इतना दम है ही नहीं जब तक वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो स्वयं से इनलाइटेंड नहीं हो जाएगी, उसको ये ज्ञान नहीं हो जाएगा कि मार काट और हत्या और वॉयलेंस किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये रियलाइजेशन आना है, इस रियलाइजेशन को आने का तरीका और माध्यम क्या होगा ये ना तो अमेरिका सिखाएगा ना तो भारत सिखाएगा, ये वहां के लोगों को स्वयं से सीखना होगा।